हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बापू है, वो भी बोलना सीख गया है। और आज आपका वेलकम कौन किया, फिर से बोल दे तो। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल, है ना। छिपकली देखो मम्मी, छिपकली। हाँ छिपकली। तो फ्रेंड्स, चिपकली को मारेगा, तुमको चिपकली मारेगा। हाँ, अच्छा अभी तुम क्या खाए बता दो। गुड़ रोटी। गुड़ रोटी किसको अच्छा लगता? कौन मुझे 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 कौन मुझे 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 गुड़ रोटी कौन किसको किसको पसंद है? मुझे चिपकली। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी मैं ना बैठी हुई पीहू को पढ़ाने के लिए, इसका पढ़ाई कम। और ये देखिए क्या हो रहा है पढ़ाई के साथ। ये देखिए ये दोनों क्या करते हैं ना, मेरी क्रीम को लेकर के डॉल को लगा देते हैं। देखिए हंसी, देखिए भूतनी लग रही है, भूतनी बना दिया है इन लोगों ने। गुड़िया को दिखा दो, डॉल को दिखा दो। मैंने ना क्या बोलते हैं, इसे कान में लगाया था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर लगा दूँ। और ये बच्चे देखिए, आज ये ना आज इनके साथ मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। और आज ना मेरे बाबू को मन था, और ये ना हमेशा बोलते रहता है हेलो फ्रेंड्स, है ना। कैसे बोलते हैं? हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, उधर तो बारिश भी नहीं हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा काम चला फ्रेंड्स। तो इसलिए आज हम लोगों ने ना दो फैन मंगाया, ये वाला, और ये मिल नहीं रहा था तो बहुत मुश्किलों से मिला है। और दोनों मिलते ही ये दोनों जो है, एक इसने ये ले लिए और एक ये ले लिया। और ये लोग जब लाइट वगैरह कटती है ना, तो ये किसी को देते ही नहीं। ये किसका पंखा है? मम्मी को देगा। तो ऐसे जब नहीं था, और सभी लोग ऐसे करते हैं, अगर लाइट वगैरह कटती होगी तो कॉपी से या फिर पेपर वगैरह से जो है हवा लेती होंगे। तो खैर अब लोगों ने फैन मंगा लिया तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो देखिए काफ़ी परेशान करते हैं मेरे बच्चे। चलिए मैं चलती हूँ किचन में। और आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पे मैंने काटा है गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता। और यहाँ पे है जीरा गोलकी का पाउडर जो कि मैंने खुद बनाया है। नींबू और कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तेल, कोई भी तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड या फिर सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ मिर्च और प्याज और पत्ता गोभी और गाजर। तो इसको अच्छे से भूज लेंगे। भूजने के बाद इसमें हमें डालना है नमक। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कच्चे को छोड़ दी हूँ ताकि कच्चा कुछ रहेगा तो ऊपर से मैं डालूँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सॉस, जीरा गुलकी का पाउडर, ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैं मैदा लगा रही हूँ जिसमें कि मैंने डाला है रिफाइंड और नमक, और इसको आटे की तरह बिल्कुल लगा देंगे। तो ये देखिए इसको रोटी की तरह सेक लेते हैं। और सेकने के बाद क्या होता है, आधा जब ये आधा कच्चा आधा पक्का सेकना है हमें। और उसके बाद इसके ऊपर से डाल देना है अंडा। तो अंडे को पहले गिलास में मैंने घोल दिया था, अंडे में भी नमक हमें मिला देना है ताकि अच्छा सा नमक नहीं डालेंगे तो फीका फीका लगेगा। और ये घर का तावा है ना तो थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है तो इग्नोर कीजिएगा इसको। और बस इसे हम लोग कर देंगे, इसे पलट देंगे अच्छे से। और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था बनाने में तो ये देखिए पलट दिया है हम लोग मैंने। और ये अंडा पक जाएगा तो इसे करेंगे हम, फिर से इसके ऊपर स्टफिंग जो बनाए थे हम लोग उसको डालेंगे। तो ये जो है अंडा को अच्छे से पका ले रहे हैं। और रोटी को भी हम और पकाना है ताकि थोड़ा सा ये क्रंची जैसा बने। तो ये देखिए स्टफिंग था तो स्टफिंग में डाल दे रही हूँ। और जो कच्ची मैंने रखा था प्याज और गाजर वो भी मैं ऐड करूँगी इसमें। इसके बाद इसमें डालना है नींबू और सॉस वगैरह जो भी है, हरी मिर्ची, तो सबको अच्छे से ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको जैसे फोल्ड करते रोल की तरह उसको रोल कर देंगे। तो ये हमारा जो है बिल्कुल तैयार है हमारा एग रोल। तो घर में भी बहुत अच्छा लगता है, घर में बहुत कम चीज़ें होती है पर फिर भी बहुत अच्छे से हमारा जो रोल है वो तैयार हो जाता है। तो ये देखिए रोटी को अच्छे से पका दी हूँ मैं। तो बस इसको जो है पेपर वगैरह भी हम लोग ले करके खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को